व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत दिन बाद मैं आ चुका हूँ नया ब्लॉग के साथ एंड आज बेसिकली है सारा KTM ओनर्स का ऑरेंज डे, यानी कि आज है KTM के तरफ से ऑफिशियली राइड टुवर्ड्स थ्रॉटल मोटो कैफे कोलकाता न्यू टाउन पे। सो ये हो रहा है इवेंट नई हटी KTM जो MS बजाज है उधर से इनविटेशन भेजा था, सो इनवाइट किया था। दैट्स सारे KTM ओनर जो कुछ जो सब KTM ओनर है तो हम सब लोग मिलकर जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका हूँ मैं, सीरियसली यार जितना स्पीड में आया मैं बैरकपुर से वायरलेस मोड बस मुझे ही पता है। ऊपर से हवा भी बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे थोड़ा एयर प्रेशर कम करना होगा यार टायर का। एंड सोनू भैया इधर पे खड़ा है, कहाँ है सामने खड़ा है इधर पे सोनू भैया। तो इधर से निकल चुके हैं हम दोनों KTM ओनर और ग्रुप एडमिन एंड ग्रुप एम्बेसडर जो जो देखता निकल चुके हैं अभी हार्ट बी एंड ट्यूब दोनों को लेके। ओ 6:32 हो चुका है, 6:30 में हम लोग को उधर होना चाहिए था, बहुत ही जल्दी खींच के जाना पड़ेगा। एंड ऊपर से मैं डर के चला रहा हूँ क्योंकि मेरा टायर प्रेशर ही बहुत ज़्यादा है, टायर प्रेशर कम करना होगा बहुत जल्द। तो हम लोग डिसाइड किया पहले रिलायंस पेट्रोल पंप पे हम लोग थोड़ा रुकेंगे, उधर से फ्यूल अप करना है दोनों को ही, देन उधर से ही थोड़ा टायर प्रेशर मैं कम कर लेता हूँ। मेरा लेफ्ट साइड की लुकिंग मेरा टेढ़ा हो गया, इतना जोर से खींचा यार। जा क्या हुआ इधर में, पेट्रोल नहीं है क्या, निकल क्यों गया पेट्रोल नहीं। रिलायंस ऐसा बड़ा पेट्रोल पंप से पेट्रोल नहीं है, ओनली डीजल। पेट्रोल का स्टॉक खत्म, प्राइस बढ़ गया। कर ले रहा हूँ अभी एंड फिल अप करके जल्दी से चलते हैं। अभी गाइस एक घोटाला हो चुका है, मैं थोड़ा जल्दी के चक्कर में थोड़ा जल्दी आगे ही निकल गया। दिस इज इमेज वजह जा भी पहुँच चुका हूँ। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू शो यू गाइस, मैंने अपने फैलकॉन पे एक नया चीज़ में इंस्टॉल किया जो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। कल रात पूरा क्लिनिक प्लस शैम्पू से नहलाया फैलकॉन एंड जो नया चीज़ है वो है ये मैट्रिक्स DRLVT इंडिकेटर्स, हाँ विच इज़ लुक लाइक विंग्स, सामने भी विंग्स है पीछे भी विंग्स लग चुका है अब। एंड ये सिंक्रोनाइज होता है जैसे कि दिखाई दे रहा है ऐसे, बताना कैसा लग रहा है। गाइस तो हम लोग तो पहुँच चुके हैं बहुत ही जल्दी, 6:30 हम लोग पहुँच चुके हैं। एंड ये दोनों भैया रात 12 बजे कॉल करके मुझे बोला था 6 से 6:30 के अंदर शोरूम में पहुंच जाना, ऑटो निकल जाऊंगा छोड़ के। और अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 8 बजे 7:30 बज रहे अभी टाइम। हाँ हमारे भक्तों को एटाई बोलते जाए बोले तन्मय दा के विश्वास करो वाले, देखते थे पूरा खाली सुनसान धूल उड़ रही हम लोग अभी भी वेट 8:30 बज गया, अभी भी वेट कर रहे कब आएगा। और ऊपर से मेरा बाल भी बहुत लंबा हो गया, देखते हैं कब आते हैं सब लोग, वेट करते हैं। सो गाइस अभी हम लोग का थ्रिल स्टार्ट होने वाला है एंड ये है KTM का ऑफिशियल बैनर एंड ये आज का कुछ छोटा मोटा सा लाइन अप इधर से एंड और भी लोग बाकी ज्वाइन करेंगे रास्ते से। सो इधर में है अभी एडवेंचर 250, एडवेंचर 390, RC 200 विच इज़ माई फैलकन, ड्यूक 390, थक्स बर्ना एंड RC 125 एंड और एक RC है जहाँ बैनर गिर गया, तो तन्मय भैया लेके आ रहे हैं वो RC का न्यू मॉडल 125। सो इधर से इतना बाइक जाने वाला है KTM का ऑफिशियल राइड पे एंड बाकी लोग रोड पे ज्वाइन करेंगे। तो इधर से और आधा घंटे के अंदर अभी स्टार्ट होने वाला है हम लोग का ऑफिशियल KTM का राइड एंड पहले हम लोग जाएंगे बैरकपुर, देन बैरकपुर से होके पहले राइड होगा इको पार्क का, देन उधर से थ्रॉटल
तो आप लोग देखते जाइए, दिस ब्लॉग विल बी क्रेजी अगेन, बहुत मजा आएगा, स्किप मत कीजिए, आप लोग देखते जाइए। स्टार्ट होने का पहले एंड ऑलमोस्ट साढ़े बाइक पहुंच चुके हैं इधर में, एज यू कैन सी द लाइन अप ऑफ केटीएम्स। कुछ बोलना चाहते हैं आप? कुछ बोलना चाहते हैं? अरे हम क्या बोले, गर्मी में पसीना छूट रहा है। सो जल्दी से फॉर्म फिल अप करते हैं एंड डेट मिलते हैं मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे। सो अभी हम लोग गियर अप कर चुके हैं एंड पीछे सब लाइन अप अभी रेडी हो रहा है, फॉर्म फिल अप भी हो चुका है, हम लोग का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। एक लाइनअप दिखा दे तो आप सकते हैं कि ऑलरेडी कितना भीड़ जम गया, पूरा भीड़ इकट्ठा हो गया इधर पे हम लोग राइड इवेंट देखने के लिए। तो इधर से श्याम नगर तक चलाना है मेरा फैलकन चलाने वाला एक भैया एंड मैं इधर से एडवेंचर का पीछे जाऊंगा, देन श्याम नगर से मैं अपने फैलकन पे आ जाऊंगा, देन उधर से राइड कंटिन्यू होगा। एंड ही इज द ऑर्गेनाइजर। कुछ बोलना चाहते हैं आप? फोटो ले लेते हैं पहले। कुछ बोलना चाहते हैं आप? Here is our lineup. अभी सब रेडी हो रहे हैं, अभी निकलने वाले हैं। एंड आप लोग भीड़ देख सकते हैं कितना भीड़ जम चुकी है इधर में, सब लोग कैसे देख रहे हैं घूम घूम के, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। सुबह 6:30 राइड का टाइमिंग था, अभी बज रहे 9, अभी निकल रहे, ऑलमोस्ट धूप भी निकल चुका है, बहुत गर्मी लग रहा है यार, बहुत पसीना आ रहा है, हालत ख़राब हो गया। एंड ये पीछे हम लोग एम्बुलेंस, जो हम लोग का राइड के साथ साथ में एम्बुलेंस रहेगा इनकेस ऑफ इमरजेंसी। सो चलिए निकलते हैं बहुत जल्दी अब। अभी मैं जा रहा हूँ तन्मय भाई के पीछे, पिलियन एज ए पिलियन, एंड मेरा फैल्कन लेकर जा रहे हैं और एक भैया सामने तक ही जाएगा, उसको थोड़ा मेरा बाइक चलाना था इसलिए, एंड उधर से फिर मैं अपने बाइक में शिफ्ट हो जाऊंगा, बस थोड़ा दूरी पिलियन पे जा रहा हूँ। सो फाइनली जिस चीज़ का इंतजार था कल से, फाइनली हम लोग का राइड हो चुका है स्टार्ट एंड अभी मज़ा आने वाला है। उसके पहले रिलायंस में जाएंगे फ्यूल अप करने के लिए, फ्यूल अप करने के बाद देन राइड विल कंटिन्यू। सो कीप वॉचिंग गाइस, गो अपने फैल्कन पे। एंड अभी पूरा ग्रुप में सोनू है लीडरशिप है, मतलब लीड करने वाला है, सोनू भाई का पीछे में असिस्टेंट लीड में हूँ, सो सोनू भाई का पीछे और मैं रहूँगा और मेरा पीछे बाकी लोग रहेगा। खुद का बाइक चलाने का फील ही अलग है यार सच में। सो अभी एक बाइक की वहाँ से रिफिलिंग करवाना बाकी है, तो अपकमिंग पंप में जाएंगे उधर से रिफिलिंग करके सीधा निकल जाएंगे। एंड मैं हूँ को लीड पे सोनू भाई के पीछे, तो सोनू भाई जो भी सिग्नल दे रहा है मुझे एंड मैं पूरा ग्रुप को सिग्नल दे रहा हूँ, पूरा ग्रुप को लीड कर रहा हूँ एंड पूरा पीछे लाइन से आ रहे। एंड दिस इज़ द मेन थिंग इन ए राइडर कम्युनिटी कि कोई रूल्स नहीं तोड़ता है, जैसे बात हुआ जैसे ब्रीफिंग हो हम लोग कोई किसी को ओवरटेक नहीं करेगा, लीड जैसे लीड करेगा, जैसे स्पीड में क्रूज करेगा, सब कुछ लिमिट में होता है हम लोगों का एंड पूरा मेंटेन करके चलता है। मेन होता है डिसिप्लिन, टोटली डिसिप्लिन मेंटेन करके चलता है। एज यू कैन सी मे बी लुकिंग मिरर में दिख रहा है पीछे सब लाइन से आ रहा है, कोई किसी को ओवरटेक नहीं करेगा। एंड हम लोगों का कल्लेन एक्सप्रेस वे है, एक्सप्रेस वे पे भी हम लोगों का स्पीड आप लोग देख सकते हैं हार्डली अराउंड 40। सो दिस इज द मेन थिंग विच इज डिसिप्लिन। सो इधर से जिसको ज्वाइन करना था वो भी ज्वाइन कर चुका है, अभी सामने आधा लोग हैं एंड पीछे आधा लोग हैं एंड फर्स्ट ब्रेक हम लोग बेलगढ़ एक्सप्रेस वे में लेने वाले हैं। Literally, what a lovely lineup. So, इधर पे हम लोग ले रहे फर्स्ट ब्रेक, फर्स्ट टी ब्रेक। So guys, अभी हम लोग फर्स्ट टी ब्रेक पे रुके हैं बेलगढ़ एक्सप्रेसवे पे।
मैं एक बार आप लोगों को लाइनअप दिखा देता हूँ हम लोग का आज का, जिसको दो सेकंड बाद में ज्वाइन करना है ज्वाइन कर चुका है। सो दिस इज आवर लाइनअप टुडे, सिर्फ ऑडियंस डे है, सब मीडियम ऑडियंस के आज ऑडियंस डे है। अभी हम लोग आए हुए हैं बेलगोड़ी एक्सप्रेस वे में और इतना धूप है कि मैं पूरा जल गया हूँ, रात में मैं भी पूरा जल गया हूँ। इतना सारा के टी एम आज, सिर्फ के टी एम ही के टी एम। सो गाइस इधर से हम लोग सीधा जाएंगे कैफे एखान इको पार्क, उधर में फोटोशूट वीडियो शूट होगा बहुत मस्त मस्त। एंड इधर से मैं लीड कर रहा हूँ पूरा होल टीम को, एंड मेरा पीछे सब लाइन में आएगा। तो चलिए चलते, इधर से शुरू होता है हम लोग का कहानी ट्रैफिक जैम का। तो फाइनली हम लोग वी आई पी रोड पर एंटर कर चुके हैं, अभी सबका दिमाग का कीड़ा हिल गया, अभी सब स्ट्रेच कर रहे बाइक को इधर से, बट अनफॉर्चुनेटली फिर से ट्रैफिक जैम में फंस चुके हैं। अभी जैसे ही थोड़ा सा खाली मिलेगा फिर अगेन सबको स्ट्रेच करने लगेगा। रियली आर फीलिंग अमेजिंग। से लीड करते हुए मैं अभी जा रहा हूँ फैलकन को लेके सीधा इको पार्क गेट नंबर 1, एंड इधर से हम लोग ले लेंगे लेफ्ट टर्न। अरे परफेक्ट लीड। ओह क्रेजी मैन क्रेजी यार, टनल का डर साउंड दिया यार। सो ये अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं इको पार्क पे। चलो चलो ढुके जाओ ढुके जाओ, सिग्नल आ जाए। मजा आ गया सच में। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कैफे एखान इको पार्क, नकली आईफिल टावर के इधर। आते वक्त तो हम 5 जोन जो खींच के स्ट्रेच करके निकाला है, लास्ट में बहुत जो पीछे छूट गया था उन लोग के लिए फिर वेट करना पड़ा। तो अभी फिलहाल सब कोई आ चुका है, तो लेट मी शो यू द लाइन अप ऑफ टुडे।
सिर्फ KTM ही KTM, मज़ा बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। तो एक बार लाइनअप देख लीजिए आप लोग। इधर पे फोटो वीडियो शूट हो चुका है एंड अभी जा रहे हैं हम लोग शॉटल फॉर हैविंग आवर लंच। शॉटल पहले से बुक किया है KTM से। तो हम लोग आज उधर से नहीं जा रहे, हम लोग आज इधर से घूम के जा रहे हैं, जो धामसा ट्राइवल किचन है, धामसा के तरफ से हम लोग घूम के जा रहे हैं थोड़ा ऐसे ही। एंड गाइस बहुत ही ज़्यादा लिटरली ना हम लोग फट रहा है पूरा, इतना ज़्यादा गर्मी है, ऊपर से राइडिंग जैकेट एंड ऑल ये सब पहन के। बाप रे बाप कितना ज़्यादा गर्मी है। मैं तो इसलिए ज़्यादा फ़ोटो वीडियो खींचा नहीं, बस वीडियो किया, मैं तो फ़ोटो खींचा ही नहीं, इतना ज़्यादा गर्मी है। जल्दी से चलते थोड़े थोड़े। अच्छा लुक एट द ब्यूटी ऑफ नेचर, ये सामने पूछ झिकझिक आ रहा है, टॉय ट्रेन, कितना मस्त लोकेशन है इधर का, हर तरफ ग्रीनरी एंड लेक व्यू। यार अभी थोड़ा सुकून मिला, अभी थोड़ा बाइक चलाने के बाद थोड़ा हवा लगा था, अभी सुकून मिला। एंड ये आ गया 90 डिग्री कर्व। ये जो सामने देख रहे हैं गोल सा, ये है धामसा ट्राइबल किचन। एंड सिर्फ KTM एंड KTM, ओह ऑसम व्यू। एंड पीछे भी है, बस आगे नहीं पीछे भी है। ब्यूटीफुल लोकेशन, तो फाइनली वी रीच एट थ्रॉटल मोटो कैफे। ये है थ्रॉटल मोटो, पूरा हुलिया चेंज हो चुका है। सो हेयर इज ऑल KTM मेंबर्स, KTM ओनर्स एंड हस्की भी है। मस्त लीन था। सो चलते, बहुत गर्मी है बाहर, अभी पहले जाके ही अभी AC में घुसना है। सोच रहा कि इधर ही खोज जाओ। एंड दिस इज थ्रॉटल मोटो कैफे। बत्तख, व्हाट्सअप बत्तख, हाउ आर यू बत्तख, ओ बत्तख, व्हाट्सअप। इधर में सारा ग्रुप्स का स्टिकर है एंड इधर में हम लोगों का स्टिकर भी आज लगने वाला है। जितना सारा बाइकर्स ग्रुप इधर पे आता है, जैसे कि वर्सेटाइल राइडर्स है, वर्सेटाइल्स में जो हेड 196 रोहन भैया है वर्सेटाइल में, एंड इधर में
सब कुछ मतलब ज़्यादा 90% इधर स्टीकर से। एंड इफ यू वांट टू सी अ पर्शियन कैट देन इधर में दिखा तो इधर में एक पर्शियन कैट अवेलेबल है। इट्स काइंड ऑफ ए स्मॉल ज़ू एंड हियर इज ए पुचकू रैबिट बाय द वर्ड इज द पर्शियन कैट। दादा पर्शियन कैट टा कोथाय? ओ और ये रहा पर्शियन कैट। पुसी कुचू 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 व्हाट्स अप पुसी? आई जस्ट लव पुसी। गलत मत समझना मैं पुसी कैट का बात कर रहा हूँ। तो ये हम लोग पहुँच गए अभी थ्रॉटल शॉटल मोटो कैफे और मेरा हालत ऐसा हो चुका है गर्मी की वजह से, मैं अभी थोड़ा पानी मर के आया सर पे मुँह पे, बहुत ही ज़्यादा गर्मी था, अभी थोड़ा सुकून मिला इसमें घुस के। इसको देखिए कैसे काटेगा मुझे, ये जानबूझ के काटेगा, कैसे कैसे काट रहा है बदमाश बदमाश, देखिए फिर काट रहा है कैसे काट रहा है बदमाश। तो इधर हम लोग अभी लंच आ चुका है, जैसे अभी और हम लोग का डे हो चुका है ख़त्म, अभी इधर से लंच करने के बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे बैक टू होम। सुबह था अभी वर्डे थैंक यू भाई थैंक यू बहुत ही अच्छा दिन रहा आज का, प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा था, राइड करके बहुत ही मज़ा आया, बस एक ही दिक्कत था बहुत ज़्यादा गर्मी था कैफे के अंदर पे। तो गर्मी छोड़ के सब कुछ बहुत ही अच्छे से भी था, बहुत ही अच्छा किया आज का दिन। सो हम लोग का अभी लंच हो चुका है डन, लंच के बाद रिफ्रेशर भी डन हो चुका है, रिफ्रेशमेंट ड्रिंक भी डन हो चुका है। तो अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहा है, पूरा 2 बज रहा है अभी, एंड अभी हम लोग थोड़े थोड़े कैफे से निकल रहे हैं। वी आर डन टुडे, सच में पूरा लेवल का मस्ती हुआ आज, एंड थ्रॉटल शॉटल का पूरा लुक ही चेंज हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ एक जाहिर भैया अपना बाइक जब घुसा रहे थे इधर से तो ब्रिज टूट गया था, सो दैट्स व्हाई फिर पूरा नया करके अभी चेंज किया पूरा लुक, नया से ब्रिज बनाया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग पे बहुत चल एक नया एडवेंचर के साथ, टिल देन स्टे सेफ स्टे ट्यून्ड बी सेफ स्टे केयर एंड बाय बाय। তুমি আমাকে কথাগুলো বলছো কেন? তোমাকে কিছু বলেছি? আমি এই করেছি কিছু করলাম, আরেকটু 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 হলে আমার ইন্ডিকেটরে লাগতো, আরেকটু হলে লাগতো 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 মানে এখানে আমরা কখন দাঁড়িয়েছি, এখানে কখন দাঁড়িয়েছি, কোথায় দাঁড়িয়েছি, কোথায় দাঁড়িয়েছি আপনি বলুন। আবার তো হয়ে গেল আবার কি এখন? না না বলুন বলুন আপনি বলুন কোথায় দাঁড়িয়েছি, তুমি চিল্লাবে কেন, তুমি চিল্লাবে কেন, গাড়ি উপরে চিল্লাচ্ছো তুমি, কেন চিল্লাবে সেটা বলো, তুমি কেন চিল্লাবে? চিৎকার করলে কেন, ফট করে তোমরা দাঁড়িয়ে পড়লে, গরম নিলে কেন, গরম নিলে কেউ গরম নিলে দাঁড়িয়ে গরম নেই
গরম না নিলে এটা হতো না চালিত হবে রিকশাতে গরম নিয়েছি ওকে মারবে মারবে কেন তাহলে রিকশা থেকে নেমে মারবে তাহলে রিকশা থেকে নামলো আমি অনেক চিলেছি দাও আচ্ছা একটা কথা বলো দাও আমি কোন খারাপ কিছু বলবো না ওই শুনো দা ড্রিঙ্ক করে আছে হ্যাঁ ড্রিঙ্ক করে আছে মুখ থেকে গন্ধ বের হচ্ছে পুরো ড্রিঙ্ক করে আছে তুমি তো তুমি মাল খেয়েছো না কি আছে কি আছে হ্যাঁ কি আছে থানায় কল করে গাড়ির সামনে কি লেখা রয়েছে একটু পড়ো তো গিয়ে গাড়ির সামনে কি একটু পড়ো তো থানায় কল করছি থানায় তুমি মদ খেয়ে গাড়ি চালাচ্ছো আমি থানায় কল করছি কোথাও যাবে না তুমি আমি থানায় কল করছি গাড়ি আসলে কোথাও যাবে না মাল রব নিচ্ছে ও জানে না কার সাথে কথা বলছে পুরো পুরো মুখ থেকে মদের গন্ধ আছে মদ খেয়ে জ্বালা চোখে নর্মালি ঢোকা ঠোকনে বাজ গিয়া বস ইত্তু সা গ্যাপ কে লিয়ে বাজ গিয়া।